तमाम कंट्रोवर्सी के बाद एक बार फिर से आदि पुरुष के मेकर ने कमर कस ली है आदि पुरुष के झलक को फैंस के सामने ड्रॉप करने के लिए। मेकर्स ने मन बना लिया है सैफ अली खान के रावण वाले लुक को दिखाने का, कृति को सीता माता के किरदार में प्रेजेंट करने का और प्रभास को श्री रामचंद्र के रूप में दिखाने का, क्योंकि अब फाइनल हो गया है कि टीजर पोस्टर के बाद अब फिल्म का ट्रेलर आएगा और ये ट्रेलर मई के महीने में ही आउट किया जा रहा है फिल्म के रिलीज से करीब एक महीना पहले। तो क्या इस बार भी ट्रेलर को देखने के बाद लोग बवाल करेंगे? क्या सैफ अली खान को रावण के अवतार में दर्शक पसंद कर पाएंगे या फिर इस बार भी ठेंगा दिखा देंगे? और किस दिन होने वाला है आदि पुरुष के ट्रेलर का दीदार, आइए जानते हैं। दरअसल प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान, ओम राउत और भूषण कुमार 9 मई 2023 को मुंबई में एक भव्य प्रोग्राम में आदि पुरुष के ट्रेलर को रिलीज करेंगे। बताया जा रहा है कि ये लगभग 3 मिनट लंबा ट्रेलर है जो दर्शकों को रामायण की दुनिया में ले जाएगा। देखिए, ट्रेलर को लेकर एक सूत्र ने बताया है कि 9 मई को दुनिया के सामने इसकी स्क्रीनिंग करने से पहले आदि पुरुष टीम स्पेशली 8 मई को हैदराबाद में प्रभास के फैंस के लिए ट्रेलर दिखाएगी। एज पर सोर्सेस, हैदराबाद में फैंस के लिए 3D स्क्रीनिंग होने जा रही है। प्रभास और आदि पुरुष की पूरी टीम का मानना है कि फैंस किसी भी फिल्म के लिए सपोर्ट सिस्टम है और पिछले 2 सालों में फैंस द्वारा आदि पुरुष को दिए गए सभी सपोर्ट को अप्रिशिएट करना उनकी ओर से एक हिंट है। हालांकि जब ट्रेलर को लॉन्च कर दिया जाएगा उसके बाद 9 मई को दर्शकों के लिए ट्रेलर को डिजिटली प्लेटफॉर्म पर ड्रॉप किया जाएगा। हालांकि ये अपडेट सोर्सेज से मिली है लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दिया गया है। ऐसे में अपडेट के अनुसार अगर फिल्म का ट्रेलर 9 मई को आउट होता है तो फिल्म में इस बार सैफ के लुक, फिल्म के VFX कैरेक्टर के लुक के बारे में ज्यादा खुलकर सामने आने वाला है और ये भी साफ होने वाला है कि इस बार लोग इस ट्रेलर को कितना पसंद करते हैं या फिर इस बार भी हंगामा तो नहीं मचने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल नवरात्रि में ही आदि पुरुष का टीजर रिलीज किया गया था, लेकिन जब यह टीजर दर्शकों ने देखा और इसमें उन्होंने जब सैफ अली खान के रावण का मॉडर्न लुक देखा तो पब्लिक बुरी तरह से भड़क उठी थी और लोग इसे बकवास बताने लगे थे। अब देखने वाली बात होगी कि 9 तारीख को जब यह ट्रेलर आउट होता है तब लोग कैसा रिएक्शन देते हैं और देखने वाली बात ये भी रहेगी कि फिल्म इस बार हंगामे से खुद को कैसे बचाती है या फिर नहीं, और मेकर्स की मेहनत कितना रंग लाती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। खैर, आप बताइए आदि पुरुष के इस नए ट्रेलर को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।